वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 25 और 26 मई के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। तो 25 मई की करंट अफेयर की वीडियो नहीं डाली गई थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर दोनों को एक साथ कवर किया है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेक्शन है हमारा नेशनल और स्टेट न्यूज। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि श्रम सिद्धि योजना फॉर लेबर, मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत कौन से राज्य ने की? ये शुरुआत की मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने शुरुआत की श्रम सिद्धि योजना की। कल जो 24 मई की वीडियो थी उसकी अंदर भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश ने फीवर क्लिनिक्स की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, फीवर क्लिनिक्स मध्य प्रदेश ने शुरू किया, लेकिन मोबाइल फीवर क्लिनिक्स कर्नाटका ने शुरुआत किया उसका। स्टेट की योजनाओं के ऊपर एग्जामिनर अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन जहां पे थोड़ा सा फर्क होता है वहां पे तो अक्सर पूछे जाते हैं। मोबाइल फीवर क्लिनिक्स है कर्नाटका का और फीवर क्लिनिक है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, गवर्नर लालजी टंडन है और कैपिटल भोपाल है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिफॉर्म ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, दवा न्यायिक प्रणाली को रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से। उसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण जी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह कमेटी में टोटल 11 मेंबर्स हैं, 11 सदस्य होंगे। हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कहाँ से सांसद हैं ये? चांदनी चौक दिल्ली से सांसद हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? ग्रांट ऑफ ₹4 लाख टू द फैमिली मेंबर हु लॉस्ट हिज डियर वन ड्यू टू कोरोना वायरस। अगर कोरोना वायरस के चलते किसी फैमिली मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। तो ये ऐलान किस राज्य सरकार ने किया है? ये किसने किया है? बिहार ने किया है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। यहाँ पे किसकी सरकार है? नीतीश कुमार जी की सरकार है यहाँ पे। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? फागू चौहान जी गवर्नर। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 न्यू सर्विसेज ऑफ इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। मीटी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IMD की 7 न्यू सर्विसेज, 7 नई सेवाओं की शुरुआत की है भारतीय मौसम विभाग की। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विभाग ने। अब ये सेवाएं कहाँ पे शुरू की गई हैं? ये उमंग ऐप पे शुरुआत की गई है इन सेवाओं की। और हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विभाग के मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद जी मिनिस्टर हैं इनके। और ये कहां से सांसद हैं? पटना साहिब बिहार से सांसद। आगे बढ़ते हैं। 24% स्टेक इन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम में 24% की हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? ये किसने ली है? राइट्स लिमिटेड ने। ये राइट्स लिमिटेड क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स, खेल को उद्योग का दर्जा कौन से राज्य ने दिया है? ये दिया है मिजोरम ने। मिजोरम ने स्पोर्ट्स को खेल का दर्जा दिया है। और मिजोरम की कैपिटल क्या है? एजवल। और यहाँ के CM कौन है? कॉर्नर जोरम थांगा जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई जी। आगे बढ़ते हैं। खुडोल इनिशिएटिव, खुडोल पहल किसने शुरुआत की है? किस राज्य ने इसकी शुरुआत की है? ये मणिपुर ने इसकी शुरुआत की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि UN ने ये बोला है कि वर्ल्ड की टॉप 10 इनिशिएटिव में खुडोल इनिशिएटिव है। तो टॉप 10 इनिशिएटिव कोविड के अगेंस्ट जो शुरू की गई है उसमें से एक रखा गया है खुडोल इनिशिएटिव को। और जो ये खुडोल इनिशिएटिव है ये यो ऑल NGO है एक, उसने इसकी शुरुआत की है। और ये टॉप 10 वर्ल्ड में UN के द्वारा इसको ऐड किया गया टॉप 10 में। और ये है किसके लिए ये इनिशिएटिव? ये LGBT कम्युनिटी के लिए शुरुआत की गई थी इसकी। और
और मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल। और यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपचुल्लाज। आगे बढ़ते, बी कीपिंग अंडर आत्मनिर्भर अभियान। आत्मनिर्भर अभियान के अंदर बी कीपिंग मधुमक्खी पालन को कितने रुपए आवंटन किए गए हैं? ये कितने किए हैं? 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन। ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन कौन से राज्य ने इसकी शुरुआत की है? ये है केरल। केरल ने इसकी शुरुआत की है। अब इसमें क्या होगा कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर एक कार्टून बनाया जाएंगे कोविड-19 को लेकर, और लोगों को उससे अवेयर किया जाएगा। और केरल की बात है, ये केरल की जो कैपिटल है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की जो सीएम है वो कौन है? पिनराई विजयन जी। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सेक्शन है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में हमारा पहला पॉइंट है न्यू स्पेस ऑपरेशन। स्पेस ऑपरेशन, अंतरिक्ष ऑपरेशन नया, जिसका क्या नाम है? स्क्वाड्रॉन। ये किसने इसकी शुरुआत की है? ये शुरुआत की गई है जापान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, स्क्वाड्रॉन ऑपरेशन है, स्पेस ऑपरेशन है ये, और इसकी शुरुआत किसने की? जापान ने इसकी शुरुआत की। अगला है फास्टेस्ट इंटरनेट डाटा स्पीड ऑफ 44.2 टेरा बिट्स पर सेकेंड। वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड किसने दिखाया है? इसको किसने इसको हासिल किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया है। और ये कितनी है? 44.2 टेराबिट्स पर सेकेंड। 1 टेराबिट कितने के बराबर होता है? 1024 गीगाबिट्स। और 1 गीगाबिट्स कितने मेगाबिट्स के बराबर होता है? 1024 मेगाबिट्स। और 1 मेगाबिट्स आगे 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। तो आप देखिए, टेराबिट्स की बात कर चल रही है, तो ऑलमोस्ट ये लगा के चलिए कि बहुत सारी मूवीज कुछ सेकंड के अंदर ही डाउनलोड हो जाएंगी, और फुल एचडी मूवीज। आप इससे कंपेयर कीजिए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट, दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन है? ये है नायोमी ओसाका जी। ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने जो अमेरिका की सुनीता विलियम्स थी उनको पीछे छोड़ दिया है, पछाड़ के नोआमी असोका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट बन गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और टिकटॉक बड़ी फेमस ऐप है, उसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। उनका नाम क्या है? केविन केविन मेयर। केविन मेयर को सीईओ नियुक्त किया गया है टिकटॉक की, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात आपके लिए, टिकटॉक के जो फाउंडर हैं वो कौन है? आपको पता होना चाहिए, बड़ी फेमस ऐप है। पूछ सकता है एग्जामिनर स्टैटिक में ये क्वेश्चन कि टिकटॉक के फाउंडर कौन है? टिकटॉक के फाउंडर कौन है? जहांग यिमिंग। और इसकी पेरेंट कंपनी है जो जो मतलब कि जो जहांग यिमिंग की पेरेंट कंपनी है जो, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? बाइट डांस। तो बाइट डांस है टिकटॉक की पेरेंट कंपनी, और फाउंडर कौन है? जहांग यिमिंग। और ये चाइना की ऐप है, इस बात का ध्यान रखिए। टिकटॉक कहाँ की ऐप है? चाइना की ऐप है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में हमारा पहला पॉइंट है वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया हमने? 25 मई को मनाया, ठीक है। अगला है कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस हमने कब मनाया? 24 मई को। और इस बार का थीम क्या रहा राष्ट्रमंडल दिवस का? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। एक सामान्य भविष्य को जन्म देना, कनेक्ट करना, नवाचार करना, रूपांतरण करना। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में हमारा पहला पॉइंट है फॉर्मर हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह दोसांझ पास अवे। फॉर्मर हॉकी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी जो बलबीर सिंह दोसांझ जी हैं, उनका निधन हो गया है। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? ये पंजाब से बिलोंग करते थे, और इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड कप दिलाए हैं भारत को। आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल प्लेयर आर्टिज एड्रूज अनाउंस हिज रिटायरमेंट। आर्टिज एड्रूज जी ने अपनी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। ये कौन से देश से संबंधित हैं? ये स्पेन से संबंधित हैं, और इन्होंने भी अपने देश के लिए बहुत सारे वर्ल्ड कप जिताए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो इसी के साथ 25 और 26 मई के जो भी करंट अफेयर थे वो कवर हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी। आप वीडियो को रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा, सो दैट आपको ये याद हो जाए और एग्जाम में आपको क्लिक करें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल
एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक्स एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो.